साथियों, आरबीआई जैसे संस्थान के बारे में चर्चा अक्सर फाइनेंशियल डेफिनेशन और कठिन टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित रह जाती है। आपका कार्य जितना जटिल है उसमें यह स्वाभाविक भी है, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे देश के सामान्य मानव का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। बीते 10 वर्षों में हमने सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बीच इस कनेक्ट को हाईलाइट किया है। गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन आज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज देश में 52 करोड़ जनधन खाते हैं, इनमें भी 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर है। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रभाव आप एग्रीकल्चर और फिशरीज जैसे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। आज 7 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स, फिशरमैन और पशुपालक के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इससे हमारी रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिला है। कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पिछले 10 वर्षों में बड़ा बूस्ट मिला है। सहकारिता में कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये रिजर्व बैंक के रेगुलेशन और सुपरविजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यूपीआई आज एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पर हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है।